नेक्स्ट आ जाओ नंबर ऑफ एटम्स. हाँ भाई, एक CO2 में कितने एटम है? तीन है भाई, एक दो तीन है, तीन एक में तीन है तो Na में कितने होंगे? थ्री Na. बहुत बढ़िया. इसमें कितने? तीन. तो Na में कितने होंगे? तो जैसे अपन ने लिखा बर्जिलिया स्पीशीज सिलार, देखा देखा मैं बोल रहा था है नहीं, मैं बोल रहा था देखो करके. तो किसी ने बोला रुको अभी, क्या रुको जरा है नहीं, हाँ रुको अभी, सब साले बदमाश हो तुम लोग भी नहीं. तो SO3 इधर आ गया, SO3 में कितने हैं? चार. तो Na में कितने होंगे बोलो? फोर Na है नहीं, और इसमें दो तो कितने होंगे? टू Na. तो फिर उधर से चिल्लाया बोले देख कहाँ बराबर है, क्या बराबर नहीं बराबर. लेकिन ये मैं पढ़ा रहा था क्लास में, तो ये पढ़ाते समय मेरी क्लास में अवोगैड्रो अंकल बैठे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे है ना, अवोगैड्रो अंकल बैठे थे. अवोगैड्रो अंकल ने देखा, क्या देखा? कि बर्जिलियस तो गया, बर्जिलियस की तो बहुत बुराई होने वाली है, लेकिन यहां एक अपॉर्चुनिटी है. देखो दिख रही है, एटम इक्वल नहीं है लेकिन मॉलिक्यूल इक्वल. समझ नहीं बात? तो ये बात किसने बोल दी दुनिया को? अवोगैड्रो. तो लिखेंगे अगला अवोगैड्रो का लॉ, अवोगैड्रोज लॉ.